सरप्राइज। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। क्या आपने पतलू के शक्ल का रोबोट तैयार कर लिया है? ये रहा रिमोटिक माइक्रोफोन। इस रोबोट में मैंने पतलू की आवाज फीड कर दी है। तुम रिमोट में जो भी कहोगे वो होगा तुम्हारी आवाज में, पर रोबोट बोलेगा और एकदम पतलू जैसी आवाज आएगी। अब तुम जो कहोगे ये वही करेगा। बॉस बॉस, मुझे एक ट्रायल लेने दो ना। हेलो पतलू। बॉस को चांद तारों की सैर करा दो। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हें परमानेंट चांद पर भेज दूंगा। पतलू चलो समोसे खाकर आते हैं। मोटू, आज मैं तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो फिर जाकर बॉक्सर को दो पंच मार कर आओ। जा। अरे ये क्या पतलू, सुबह सुबह समोसे की जगह मार खिलवाने का इंतजाम कर रहे हो? बस यही है तुम्हारी दोस्ती, यही है तुम्हारा याराना। पंच नहीं मारा तो मुझसे बात भी मत करना। मैं ही तुम्हारे लिए दोस्ती में दिन रात एक करके तुम्हारा सब काम करता हूँ। जाने दो, जाने दो। नहीं पतलू, उदास मत हो। अरे दोस्ती के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नमस्ते बॉक्सर भैया। बॉक्सर भैया, पतलू चाहता है कि मैं आपको दो पंच मारूं, तभी वो मुझे अपना पक्का दोस्त समझेगा। सॉरी सर, प्लीज डोंट माइंड। मोटू, आज तुमने पहली बार इतनी बहादुरी दिखाई है, वो भी अपने दोस्त के कहने पर। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ गई है मोटू। इसी बात पर आओ, हम लोग साथ में चाय नाश्ता करते हैं। आओ ना। थैंक यू बॉक्सर भैया। ये क्या हो गया, बॉक्सर तो उसे चाय नाश्ता करवा रहा है। बॉक्सर भैया, मुझे कम इज्जत देते तो वही अच्छा था। पतलू, हो गया तुम्हारा दोस्ती का इम्तिहान पूरा। हाँ हाँ, हो गया हो गया। चलो अभी समोसे खाने चलते हैं। मोटू, तुमने दोस्ती का एक इम्तिहान तो पास कर लिया, अब ये बताओ कि तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो? पतलू मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर अब क्या करवाने का इरादा है बोलो ना। डोंट टेक टेंशन, अब तो तुम्हारा फेवरेट काम करवाने जा रहा हूँ। जब तक मैं मना ना करूँ तुम्हें समोसे खाते रहना पड़ेगा। जाओ। थैंक यू पतलू, थैंक यू। और इतनी मार खाने के बाद मुझे समोसों की सख्त जरूरत थी। ऐसा दोस्ती के इम्तिहान देने के लिए तो मैं बार बार कहीं भी कभी भी तैयार हूँ। चाय वाले भैया, जब तक मेरा मुंह चलेगा तुम्हारे हाथ समोसे बनाने को चलते रहेंगे। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। जान बनेगा डोना, जान बनेगा डोना। मोटू समोसे खाते ही बड़ा सुपरमैन बना फिरता है ना, आज उन्हीं समोसों ने उसे गुब्बारा मैन नहीं बना दिया। तो समोसों में आलू नहीं और मेरे दोस्त का नाम कालू नहीं। और ले आओ, जल्दी बनाओ। जल्दी जल्दी लाओ ना। अरे बस करो भाया, मैं और समोसे नहीं बना सकता। समोसे का सारा माल मसाला भी तो खत्म हो चुका है। पतलू अब बस करो पतलू, चाय वाला समोसे बनाकर और मैं खा कर थक चुका हूँ। प्लीज पतलू, अब मैं और एक भी समोसा नहीं खा सकता, पक्का।
जरूर जॉन ने अपना खुराफाती दिमाग चलाया है और मोटू को परेशान कर रहा होगा। मेरा हमशक्ल, लेकिन पहले जॉन की चाल का पता लगाता हूँ, फिर सामने जाऊंगा। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, इतने समोसे खाने के बाद मुझे वॉक की जरूरत थी। अब क्योंकि तुम अच्छा फील कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरी दोस्ती के लिए और क्या क्या कर सकते हो। पतलू, तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान कब खत्म होगा? अब बस करो ना। बस एक आखिरी फाइनल एग्जाम दे दो, इसके बाद और कोई एग्जाम नहीं लूंगा। पक्का? पक्का तो ठीक है, बोलो करना क्या है, जल्दी बोलो। देखो ये वैली कितनी सुंदर है, तुम बस इस साइड से उस दूसरी साइड पर जंप करके दिखा दो, फिर मैं पूरी लाइफ तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा, एकदम 100% पक्का। अरे पतलू, ये वैली नहीं, ऊपर जाने का रास्ता है। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो दोस्ती किससे निभाओगे? मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है पतलू, क्योंकि मेरा पतलू मेरी जान जोखिम में कभी नहीं डाल सकता। तुम भी मेरे साथ डॉक्टर झटका के पास चलो। मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो। इससे पहले ये लोग डॉक्टर झटका के पास पहुँच जाए, मुझे वहाँ पहुँच कर सारी बातें बतानी होगी। पतलू मेरे भाई, मेरे यार, चिंता मत करो यार, जॉन ने जरूर कोई रोबोटिक पतलू मोटू के साथ लगाया होगा, आने दो उसे, उसके सारे पुर्जे ढीले कर दूंगा यार। पर भैया, पतलू को जरा चेक करो, इसे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये क्या बड़े भैया, यहाँ पर एक और पतलू कैसे कैसे? मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम अपनी दोस्ती के इम्तिहान में डिस्टिंक्शन से पास हुए हो। तुम्हारे साथ जॉन का रोबोटिक पतलू है, जो तुम्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए जॉन ने प्लांट किया था। जॉन, तुमने मेरे दोस्त को बदल कर मेरे साथ उस टीन के डिब्बे को लगा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोटू रुको, रुको मोटू, जॉन को उसी डिब्बे में रैप करने का मेरे पास बढ़िया प्लान है। ये मोटू पतलू अंदर मेरे रोबोट के साथ में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें बाहर आने दो, इस बार मैं मोटू पतलू का काम ही तमाम कर दूंगा। मेरे भाई, मेरे यार, इस माइक्रोफोन को कान में लगा लो, जॉन जो कहेगा वो सब तुम सुन सकोगे यारी। जॉन इसी के थ्रू रोबोट पतलू से काम करवाता था यारी। तुम उस बड़े से पत्थर को उठाओ और हवा में ऊपर फेंको, तुम इतने स्ट्रांग हो, पत्थर के नीचे खड़े हो जाना, देखा जाए कि तुम्हें कुछ होता है कि नहीं। मोटू, उस बड़े से पत्थर को उठाओ और उस झाड़ी के पीछे फेंक दो, देखा जाए तुम उतनी दूर पत्थर को उठा के फेंक सकते हो कि नहीं। ये रोबोट को क्या हो गया, इसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया? फिर से ट्राई करता हूँ। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो उस नारियल के पेड़ पर ऊपर तक चढ़कर नीचे कूद जाओ। मोटू, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो झाड़ी के पीछे जो कोई भी है उसे पकड़कर नारियल के पेड़ पर फेंक दो। नहीं, ये क्या, मेरा रोबोट मेरी ही जान का दुश्मन बन गया है। बॉस, बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रोबोट पतलू भी मोटू का दोस्त बन गया हो? बनने दो, जिसको जिसका भी दोस्त बनना है बने। मुझे नीचे उतारो, नंबर वन नंबर टू कहाँ हो? अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो जॉन को पकड़ कर पीट डालो और तब तक पीटते रहना जब तक मैं मना ना करूं। आहे, 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 आहे,
चिंगम सर, चिंगम सर, जल्दी से ताला लगा दो। अमेज़न बाहर निकलो, बिना अपराध में तुम्हें जेल में नहीं रख सकता। नहीं 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 नहीं। जॉन द बॉस, और कौन से इम्तिहान लेने बाकी है, जल्दी बताओ। अब कुछ नहीं करना है, मैं समझ गया कि तुम रोबोट पतलू नहीं हो, तुम असली पतलू हो। मेरे नकली पतलू की पोल खुल चुकी है। ठीक है सर, लॉक करो, मेरे लॉकअप को लॉक करो, करो ना।